हेलो वेलकम टू विप्राम चैनल आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ टू डिवाइड अ गिवन पॉलिनॉमिल बाय अनदर पॉलीनॉमल एंड यहाँ पर जो एग्जांपल लिया अगर आप देखेंगे जो डिवाइजर uh, है वो आप देखेंगे दैट इज़ अ बाइनोमियल जहाँ पर दो टर्म है एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन फाइव प्लस टू एक्स आपने डिविजन ऑफ पॉलिनॉमल ए स्टैंडर्ड में भी किया होगा बट वहाँ पर हमने जो गिवन पॉलिन था उसको हम मोनोमियल से डिवाइड करते थे यहाँ पर हम बाइनोमियल से डिवाइड करेंगे या ट्राइनोमियल से आगे कुछ uh, और भी एक्सरसाइज आएंगे जहाँ पर हमको ट्राइनॉमल से भी डिवाइड करना होगा ओके okay, सो so अभी हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ बाई बायनॉमिल सो ये uh, जो एग्ज़ाम्पल्स मैं ले रहा हूँ ऐसे टाइप के आपको क्वेश्चन आते हैं कि आपको पर्टिकुलर गिवन पॉलिनॉमल को uh, ये बाइनोमल से डिवाइड करना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर सो इसको दो मेथड से करते हैं वन इज़ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड अदरथर इज़ बाय रिमाइंडर थियरम आपको रिमाइंडर थियरम यूज़ करके जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आप डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम से भी फाइंड आउट कर सकते हैं तो नेक्स्ट सेशन में हम रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है वो डिस्कस करेंगे सो बिफोर दैट यू शुड नो व्हाट इज़ लॉन्ग डिवीजन मेथड सो इसके कुछ कॉन्सेप्ट जो है हम जब uh, डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम आपको वो यूज़ होगा सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन सो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने जैसे कि प्योर नंबर्स का जो डिवीजन किया होगा जैसे अलेवेन डिवाइड बाय 5, so 5 into 2 is 10. Minus 10 किया तो यहाँ पर बचा 1. So uh, जिसको हम divide कर रहे हैं, that is a dividend उसको बोलते हैं, and इसको हम बोलते divisor. This is a quotient and this is a remainder. So uh, we know this relation that dividend is equals to divisor into quotient. प्लस रिमेंडर इट इज इक्वल्स टू रिमाइंडर सो डिविडन इज़ नथिंग बट इलेवन इज इक्वल्स टू डिवाइजर क्या है फाइव क्वेश्चन क्या है इधर टू रिमाइंडर क्या है वन सो ये डिविडन हमेशा डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर देखो फाइव इंटू टू टेन प्लस वन दैट इज लेवन ओके सो ये तो प्योर नंबर था तो बट अभी हम यहाँ पर जो करेंगे दैट इज़ अ पॉलिनॉमल ओके सो डिडेंड इज थ्री एक्स इज टू फोर ओके सो जब भी डिविडेंड आप लिखेंगे या डिवाइजर लिखेंगे यू हैव टू सी दैट वेदर द पोलिनल इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर और नॉट सो ये uh, जो टर्म्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए हाँ uh, सो so, जिसे यहाँ पर पावर फोर uh, है थ्री दैन टू दैन वन दैन जीरो सो यहाँ पर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में एंड देर इज वन टर्म मिसिंग दैट इज़ एक्सक्वा टर्म यहाँ पर नहीं है सो so, जो टर्म uh, मिसिंग है तो उसको हम ज़ीरो से रिप्रेजेंट करेंगे सो uh, so, जैसे कि ज़ीरो uh, सॉरी uh, यहाँ पर थ्री एक्स इज टू फोर माइनस फोर एक्स क्यूब माइनस सॉरी प्लस अब देखो यहाँ पर एक्स एक्सक्वायर टर्म नहीं है तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर जीरो एक्स एक्सक्वायर लिख सकता हूँ बिकॉज जीरो इंटू एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट ज़ीरो सो जस्ट माइनस एक्स माइन Uh, हम ये टर्म uh, इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको अगर एक्सक्वा टर्म आता है तो हम इसके नीचे लिख सकते हैं तो हमको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर आपने नहीं लिखा तो भी चलता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बट अगर आप ऐसा लिखेंगे तो अगर एक्सक्वा टर्म आता है सो वी कैन ईजिली राइट बिलो दिस टर्म तो हमारा कैलकुलेशन ज़्यादा uh, ऐसा uh, जम्बल नहीं दिखता वहाँ पर ओके okay, नाउ so तो आपको ये देखना पहले तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए एंड uh, जो मिसिंग टर्म है आप वो जीरो से रिप्रेजेंट करें जैसे ज़ीरो एक स्क्वायर से हमने रिप्रेजेंट कर दिया एंड देन डिवाइजर जो है वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इट ऑलरेडी इन डिसेंडिंग ऑर्डर क्योंकि इसका पावर वन है यहाँ पर जो वेरिएबल उसका पावर जीरो है सो इट इज़ ऑलरेडी इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर ओके सो ना विल डिवाइड तो हम uh, एक एक टर्म यहाँ से क्या करेंगे Uh, यहाँ पर रिमूव करते जाएंगे तो अभी जैसे थ्री एक्स रेस टू फोर है सो so अभी x से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट यूल गेट थ्री एक्स रेस टू फोर सो क्या करेंगे थ्री एक्स क्यूब हाँ थ्री एक्स क्यूब से आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे x सो वॉट यू आर गोइंग टू गेट थ्री एक्स रेस टू फोर आ जाएगा अगर आपको डायरेक्टली ऐसा ओरली नहीं जमता है कि आपको क्या मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या टर्म चाहिए थ्री एक्स रेस टू फोर क्या चाहिए थ्री एक्स रेज टू फोर सो थ्री एक्स रेज टू फोर टर्म चाहिए किससे मल्टीप्लाई करना है आपको एक्स से क्या मल्टीप्लाई करना है तो आप एक्स से डिवाइड कर दो वो टर्म तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ये तो कट नहीं रहा है यहाँ एक्स रेज टू फोर है और यहाँ एक्स है तो यहाँ पर एक्स क्यूब आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा थ्री एक्स क्यूब क्या आ जाएगा थ्री एक्स क्यूब तो मतलब एक्स से आपको क्या मल्टीप्लाई करना है थ्री एक्स क्यूब सो दैट यू विल गेट थ्री एक्स रेज टू फोर नॉर्मली आपको अभी ओवरली ये चीज़ें आ जानी चाहिए कि आपको क्या मल्टीप्लाई करना है तो अगर नहीं आता है आपको कुछ डिफिकल्ट आप तो आप ऐसा कर सकते हैं सो so, आपको थ्री एक्स रेज टू फोर को एक्स से डिवाइड करिए जो टर्म बचेगा मतलब उससे आपको मल्टीप्लाई करना है थ्री एक्स रेज टू थ्री डेट इज़ थ्री एक्स क्यूब सो मल्टीप्लाई करें तो थ्री एक्स रेज टू फोर आ गया देन थ्री एक्स क्यूब विल ऑल्सो गेट मल्टीप्लाई विद माइनस वन सो थ्री एक्स क्यूब माइनस वन इज़ माइनस थ्री एक्स क्यूब ओके okay, सो so अब ये जब माइनस करेंगे तो ये ब्रैकेट को जब हम माइनस करेंगे तो माइनस जब करते ब्रैकेट के बाद जब माइनस साइन होता है तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ भी क्या है प्लस है तो माइनस इनटू प्लस विल बिकम माइनस और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हाँ क्योंकि अगर एक ब्रैकेट है उसके सामने माइनस साइन है तो जब ब्रैकेट ओपन करें तो अंदर अगर प्लस साइन होगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा एंड यहाँ पर अगर माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा मतलब साइन अपोजिट हो जाता है so, सो यहाँ अगर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस uh, है तो प्लस हो जाएगा सो थ्री एक्स रेज टू फोर माइनस थ्री एक्स रेज टू फोर गेट कैंसिल ना माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स क्यूब अभी ये साइन कंसिडर करना है तो माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स क्यूब इज़ माइनस एक्स क्यूब होगा दैट इज़ माइनस वन एक्स क्यूब सो देन प्लस जीरो एक्स स्क्वायर अभी ये सारे टर्म्स हम नीचे लिखेंगे माइनस थ्री एक्स माइनस वन ना अभी हमको क्या चाहिए माइनस एक्स क्यूब चाहिए तो यहाँ तो प्लस है यहाँ कुछ नहीं मतलब वन तो वन से क्या मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ माइनस यहाँ कुछ ना मतलब माइनस वन हो गया तो माइनस वन तो दैट इज़ माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो नॉर्मली हम वन नहीं लिखते तो मतलब माइनस साइन आएगा क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस अभी एक्स से क्या मल्टीप्लाई मतलब तो एक्स क्यूब आएगा दैट इज़ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज़ एक्स क्यूब और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा ना माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वन सो प्लस एक्सक्वायर हो जाएगा ना माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा वन इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर हो जाएगा सो so, तो प्लस एक्स स्क्वायर तो अब ये टर्म को हम जब माइनस करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर ये सारे साइन चेंज हो जाए तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा दिस टर्म विट कैंसिल ना जीरो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये इसका मतलब ज़ीरो ही है सो दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर टर्म बचा माइनस थ्री एक्स माइनस वन ओके नाउ माइनस एक्स स्क्वायर अगेन यहाँ प्लस है तो हमको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होगा एंड यहाँ पर एक्स से क्या हो तो एक्स स्क्वायर आएगा दैट इज एक्स सो एक्स इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस वन सो प्लस एक्स हो जाएगा दैट इज प्लस वन एक्स दैट इज प्लस एक्स तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा तो दिस विल गेट कैंसिल माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स इज माइनस फोर एक्स एंड माइनस वन ना अब मुझे क्या चाहिए माइनस फोर एक्स तो यहाँ ऑलरेडी एक्स है तो यहाँ भी मुझे एक्स ही चाहिए बट यहाँ क्या चाहिए माइनस फोर तो किसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर सो माइनस फोर इंटू एक्स इज़ माइनस फोर एक्स एंड माइनस फोर इंटू माइनस वन इज़ प्लस फोर तो ये क्या हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा तो so ये कैंसिल हो गया माइनस वन माइनस फोर इज माइनस फाइव सो अब इसके आगे डिवीज़न नहीं होगा uh, क्योंकि यहाँ पर हमको ये देखना है अदर थिंग इज़ आपको ये देखना है जब भी आप पॉलीनॉर्मल uh, को दूसरे पॉलीनॉमल से आप डिवाइड करते हो तो आपको जो ये टर्म बचता है तो यहाँ पर देखना है कि जब इसका डिग्री इसका डिग्री जो भी टर्म बचता है अगर उसका डिग्री जो डिवाइजर उसके से डिग्री से कम हो जाता है तो उसके आगे डिवीज़न नहीं होगा उसके डि डिग्री के बराबर तक होगा तब तक डिवीज़न कैरी आउट करना है जैसे ही डिग्री उसका कम हो जाएगा उसके आगे डिवीज़न नहीं होगा अब जैसे कि बात करें इसकी डिग्री क्या है वन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया डिग्री का मतलब क्या होता है तो इधर हाईएस्ट पावर वन है क्योंकि इसका पावर वन है इसका पावर इधर जीरो है तो इसका डिग्री वन है अब इसका माइनस फाइव का डिग्री क्या है हमने बोला था कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है ज़ीरो तो इसका डिग्री ज़ीरो हो गया इसका डिग्री वन है तो इसका डिग्री कम हो गया तो ये जो टर्म आता है अगर ये टर्म का डिग्री डिवाइजर्स के डिग्री से कम हो जाता है तो वहाँ पर डिवीज़न आगे नहीं होगा अब जैसे यहाँ पर माइनस फोर एक्स माइनस वन था तो इसका डिग्री वन था और इसका भी डिग्री तो हम आगे कैरी आउट किए बट इन केस अगर सपोज आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन आता है जैसे कि इसका डिग्री टू होता फॉर एक्स स्क्वायर माइनस वन समथिंग ऐसा होता और आप अगर आप डिवाइड करो और आपको ऐसा टर्म आया थ्री एक्स प्लस वन तो अब इसके आगे डिवीजन नहीं होगा क्योंकि इसका डिग्री टू है इसका डिग्री वन हो गया तो इसका डिग्री कम हो गया डिवाइजर से तो इसके आगे डिवीजन नहीं होगा वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा ये तो वैसे यहाँ पर अब ये माइनस फाइव इज द रिमाइंडर तो अभी इसको हम ये फॉर्मेट में लिखेंगे डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर सो डिविडेंड क्या है थ्री एक्स रेस टू फोर माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्सक्वायर आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा वो तो हमने हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से लिखा था माइनस थ्री एक्स माइनस वन इक्वल्स टू डिवाइजर क्या है थ्री एक्स क्यूब सॉरी डिवाइजर क्या है एक्स माइनस वन सो एक्स माइनस वन क्वेश्चन इज थ्री एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर प्लस रिमाइंडर रिमाइंडर इज माइनस फाइव सो अगर जैसे आपको रिमाइंडर पूछा तो आंसर इज रिमाइंडर इज माइनस फाइव ये आपको बहुत से टाइम बोल देंगे

तो ये सारी चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए आप सबसे बेस्ट वे ये है कि आप अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आइए और कुछ बैचेस बैचेसैडमी का लर्निंग ऐप होना चाहिए जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा अगर आपके पास नहीं है अब जैसे कि अगर आप क्लास इलेवेंथ में है तो क्लास इलेवेंथ सीबीएसई का जो बैच स्टार्ट होने वाला है जो ड्यूरेशन है फॉर दिस कोर्स इज टू मंथ्स जिसमें आपके पूरे रिविजन फुल सिलेबस का कराया जाएगा एंड टाइम टेबल इसका ये है वंदना मैम का जो लेक्चर्स है दैट इज ऑन मंडे ट्यूसडे एंड वेनेसडे टाइमिंग होगा 3:30 पीएम टू 4:30 पीएम एंड शिप्रा मैम का जो लेक्चर्स है दैट इज ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे एवरी थर्सडे एंड फ्राइडे 3:30 पीएम टू 4:30 पीएम सो दिस इज फॉर क्लास 11 सो so, 11th जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और पूरा 2 मंथ्स के लिए ये सीरीज चलेगा ओके okay, अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हैं, सो क्लास ट्वेल्थ का भी अगेन जो स्टार्टिंग डेट है वो इलेवेंथ जनवरी 2021 है अगेन ड्यूरेशन इट्स टू मंथ्स, मीनाक्षी मैम का जो लेक्चर्स है एवरी मंडे ट्यूसडे एंड वेनेसडे होगा फ्रॉम 9 पीएम टू 10 पीएम, एंड शिप्रा मैम का जो लेक्चर्स है दैट इज ऑन थर्सडेज एंड फ्राइडेज एवरी थर्सडे एंड फ्राइडे अगेन नाइन पी टू टेन पी एम So, अगर आप क्लास इलेवंथ एंड ट्वेल्थ में है तो अगर आप ये सीरीज अटेंड करेंगे sure आई लेक्चरेंगे so, तो okay. अगर आप क्लास सिक्स में है और अब आप, आपको इंग्लिश और हिंदी ग्रामर का फुल जो सिलेबस है उसका रिविजन करना है उसके डाउट्स क्लियर करना है तो अगेन यू कैन ज्वाइन क्लास सिक्स का जो बैच है अगेन इसका भी जो स्टार्टिंग डेट है दैट इज 11 जनवरी 2021 एंड इसका एंड डेट जो है नाइनटीन फेब्रवरी 2021 तक चलेगा इंग्लिश का जो लेक्चर्स है निकिता मैम लेगी दैट इज फोर पी एम टू फाइव पी एम एंड हिंदी का जो लेक्चर्स होगा दैट विल बी टेकन बाय कंचन मैडम एंड टाइमिंग जो है वो सिक्स पी एम टू सेवन पी एम होगा So, this is the start 11th January से होगा एंड नाइनटीन फेब्रवरी तक ये पूरे लेक्चर चलेंगे अगर आप क्लास सिक्स में हैं एंड अगर आप क्लास सेवेंथ में हैं सी बी एस ई अगेन फॉर इंग्लिश एंड हिंदी ग्रामर फुलबस के लिए अगेन स्टार्टिंग डेट इजेंथ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी फेब्रुवरी तक लेक्चर चलेंगे इंग्लिश का जो टाइमिंग है uh, हिना मैम का लेक्चर है सिक्स पी एम टू सेवन पी एम एंड फॉर हिंदी कंचन मैम लेंगी फोर पी एम टू फाइव पी एम Okay. And अगर आप क्लास एट में है अगेन फॉर हिंदी एंड इंग्लिश फुल सिलेबस के लिए स्टार्टिंग डेट इज ट्वेल्थ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी फेब्रवरी ट्वेंटी ट्वेंटी जो लेक्चर्स होंगे 3, uh, 3 to every day हिना लेंगी, that is for English. And for Hindi, कंचन लेंगी from 7 सो so, ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो फ्रॉम इलेवेंथ जनवरी कुछ इलेवेंथ जनवरी से हो रहा है कुछ ट्वेल्थ जनवरी से तो एज पर योर स्टैंडर्ड आप जो भी स्टैंडर्ड में है आप वो बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं एंड जैसे कि आपको पता है अन में स्पेशल क्लासेस चलते हैं स्पेशल क्लासेस जो है वो फ्री होते हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं उसके लिए जस्ट आपको मेरा जो रेफरल कोड है आर एल तिवारी वो यूज करना होगा जब भी आपको कोई भी

बट मिसिंग टर्म है यहाँ पर यहाँ पर क्यूब है डायरेक्टली जीरो आ गया तो एक्स स्क्वायर टर्म और एक्स टर्म मिसिंग है तो हम क्या लिखेंगे जीरो एक्स स्क्र प्लस ज़ीरो एक्स प्लस वन देखो इसका मतलब और एक्स क्यूब प्लस वन का मतलब सेम होता zero, तो है बिकॉज ज़ीरो इन टू एनीथिंग इज़ ज़ीरो तो ये जीरो है जस्ट हमने वो टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है so सुनाओ यहाँ पर दिस इज एक्स प्लस वन तो ये भी देखना दिस इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर और नॉट तो ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है नाउ वी वॉन्ट एक्स क्यूब तो x से क्या मल्टीप्लाई करें तो x क्यूब आएगा x स्क्वायर तो x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब देन एक्स स्क्वायर इंटू वन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर सो प्लस वन एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा सो दिस विल गेट कैंसिल तो दिस इज नथिंग बट ज़ीरो सो जीरो माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ज़ीरो एक्स प्लस वन ओके सोनाओ नेक्स्ट वी वांट माइनस एक्स स्क्वायर सो माइनस चाहिए यहाँ तो प्लस है तो इसका मतलब माइनस वन से मंडेगा तो हम वन लिखेंगे नहीं यहाँ पर बट अभी एक्स से क्या है, तो एक्स स्क्वायर एक्स सो माइनस एक्स से है, तो एक्स इंटू दिस इज माइनस एंड माइनस एक्स इज माइनस तो x टर्म so तो, uh, uh, so के नीचे हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा माइनस uh, का प्लस हो गया

स्टार्ट विद क्वेश्चन दैट इज डिवाइड द दैट इज एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्स एक्स प्लस प्लस टू एक्स दैट इज एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वे प्लस थ्री एक्स प्लस वन सो हमने डिस्कस किया था कि जो डिविडेंड है उसको हमको डिसेंडिंग uh, ऑर्डर में लिखना है तो यहाँ पर ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में और कोई मिसिंग टर्म भी नहीं है एज़ इट इज़ लिखा ना डिवाइज़र फ़ाइव प्लस टू एक्स अब डिवाइज़र जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर नहीं है सो so, यहाँ पर इसका यहाँ पर अगर वेरिएबल है उसका पावर जो है वो ज़ीरो है इसका पावर वन है सो so, इसका मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो पहले एक्स्ट्रा टर्म आएगा देन फाइव आएगा सो इट विल बी टू एक्स प्लस फाइव क्या आ जाएगा टू एक्स प्लस फाइव अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं जब उनको बोला जाए ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है तो दे राइट टू एक्स एंड फाइव तो यहाँ पर टू का जो यहाँ साइन है यहाँ प्लस है वो माइनस कर देते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि माइनस टू एक्स प्लस फाइव लिख देते हैं यहाँ पर साइन चेंज नहीं होता है साइन कब चेंज होता है जब इक्वेशन होता है जब हम ट्रांसपोज करते एल एच एस टू आर एच एस या आर एच एस टू एल एच एस तो वहाँ प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है जब हम ट्रांसपोज करते हैं बट यहाँ पर हम कोई इक्वेशन नहीं है यहाँ कोई इक्वल्स टू का साइन नहीं कि हम ट्रांसपोज कर रहे हैं यहाँ पर जस्ट हम जो एक्सप्रेशन है उसको जस्ट टर्म्स uh, को रीअरेंज कर रहे हैं तो तभी साइन चेंज नहीं होता है सो डोंट मेक दैट मिस्टेक ओके सो नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस ओके नाओ अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो हमने फर्स्ट टू एग्ज़ाम्पल्स लिया था अभी जो डिवाइजर uh, था उसमें जो वेरिएबल है इसका कोईफिशन देखो वन है यहाँ कुछ मतलब वन और यहाँ मुझे कोईफिशन थ्री चाहिए था माइनस फोर चाहिए था माइनस थ्री तो यहाँ कोईफिशन वन है तो थ्री लाना है तो मैं क्या करूँगा थ्री से मल्टीप्लाई कर दूँगा माइनस फोर चाहिए तो माइनस फोर से मल्टीप्लाई माइनस थ्री तो माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया तो uh, जिस हमको मल्टीप्लाई करना है जैसे यहाँ पर थ्री एक्स एस टू फोर चाहिए था तो हमने थ्री एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया तो वी गॉट थ्री एक्स रेज टू फोर अब यहाँ पर कोईफिशियन वन था और यहाँ पर भी वन था तो आ, हमको आ, कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है बट अगर आप यहाँ देखेंगे अब यहाँ पर क्या है जो डिवाइजर है आ, यहाँ पर एक्स का कोफिशन टू है और यहाँ पर मुझे एक्स का कोफिशियन वन चाहिए तो यहाँ पर हम तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि टू इन क्या करो तो मुझे डायरेक्टली वन आ जाए मतलब डायरेक्टली मल्टीप्लाई फॉर्म में नहीं होगा वो फ्रैक्शन फॉर्म में होगा मल्टीप्लाई फॉर्म में होगा बट वो फ्रैक्शन फॉर्म में होगा मतलब डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू जाएगा डायरेक्टली हम जैसे यहाँ करते थे थ्री एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दिया थ्री एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर तो मुझे टर्म आ गया बट यहाँ पर वैसा नहीं होगा अब मुझे टू uh, एक्स से क्या मल्टीप्लाई करूंगा सो सो आइल गेट एक्स क्यूब तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको डायरेक्टली नहीं जमता है तो वॉट यू कैन डू इज़ एक्स क्यूब को किससे डिवाइड कर दो टू एक्स से तो जब ये टम मुझे लाना है और इससे क्या मल्टीप्लाई कर सो आइल गेट द इस तो डिवाइड करके अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स कट हो गया और यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो क्या बचाइए एक्स स्क्वायर बाय टू तो किससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा एक्स स्क्वायर बाय टू एक्स स्क्वायर बाय टू तो अगर आप एक्स स्क्वायर बाय टू से मल्टीप्लाई करेंगे देखो एक्स स्क्वायर बाय टू इंटू टू एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू टू एक्स करेंगे तो देखो टू टू कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब आ जाएगा अंडरस्टूड तो अगर आपको डायरेक्टली स्क्वायर बाई टू कैसे आया हो अगर नहीं आता है तो आपको क्या करना है ये टर्म डिवाइड बाय ये टर्म करेंगे तो आपको जो वैल्यू बचेगा जैसे यहाँ पर आया एक्सक्वायर बाई टू मतलब उससे मल्टीप्लाई करना है आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा जैसे ट्वेल्व uh, डिवाइड बाई फोर मतलब Uh, अगर मुझे फ़ोर से क्या मल्टीप्लाई करना है तो ट्वेल्व आएगा तो वो क्या होगा फोर इंटू वन फोर इंटू थ्री दैट इज़ ट्वेल्व तो इसका मतलब फोर इंटू थ्री क्या होता है ट्वेल्व होगा तो ये जो वैल्यू आता है उससे हम ये वैल्यू से मल्टीप्लाई है तो विल गेट दिस वैल्यू तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक्स क्यूब डिवाइड बाई टू एक्स करेंगे तो आपको वैल्यू uh, uh, मिल जाएगा कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना है दैट इज़ एक्सक्वायर बाई टू सो एक्सक्वायर बाई टू इंटू टू एक्स करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट एक्स क्यूब अब एक्स स्क्र बाई टू इंटू फाइव करेंगे तो एक्स स्क्र बाई टू इंटू फाइव करेंगे तो फाइव इंटू एक्स स्क्र इस फाइव एक्स स्क्र बाई टू हो जाएगा सो इट विल बी फाइव एक्स स्क्वायेर बाई टू ओके सो जब हम माइनस करते तो ये ब्रैकेट के सारे साइन चेंज होते तो ये प्लस हो 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 है तो माइनस प्लस है तो माइनस सो दिस विल गेट कैंसिल नाउ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर बाई टू सो थ्री एक्स स्क्र माइनस फाइव एक्स स्क्वायेर बाई टू क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायेर माइनस फाइव एक्स बाय टू सो सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू हाँ एक्स स्क्वायर बाई टू देन प्लस थ्री एक्स प्लस वन ओके नाउ, नाउ आई वांट बाई टू तो अभी टू एक्स से क्या मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायेर बाई टू तो क्या करेंगे तो so देखो एक्सक्वायर बाई टू हमको चाहिए और आ, किसे मंडी हमको करना है टू एक्स से क्या मंडी करना है तो हम क्या करेंगे टू एक्स से यहाँ डिवाइड कर देते हैं तो देखो ये टू इंटू ये टू नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्र बाय फोर एक्स हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्सक्वायर बाय फोर एक्स हाँ ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये क्योंकि ये टू एक्स बाय वन होता है ना तो रेसिप्रोकल करेंगे तो एक्सक्वायर बाई टू इंटू वन बाय टू एक्स तो ये टू टू मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा एक्स बाय फोर uh, एक्स तो यहाँ पर एक्स और एक्स एक कैंसिल हो तो एक्स स्क्वायर बाई सॉरी क्या बचेगा एक्स बाय फोर क्या बचेगा uh, तो इसका मतलब एक्स बाय फोर से हमको मल्टीप्लाई करना होगा सो वी वॉन्ट एक्स स्क्वायर बाय टू तो क्या मल्टीप्लाई करना है तो एक्स स्क्वायर बाई टू डिवाइड बाय टू एक्स करेंगे सो so देन ये टू और ये टू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाई फोर एक्स हो जाएगा एक्स एक्स कैंसिल हो गया यहाँ पर देन वी आर गेटिंग एक्स बाई फोर तो एक्स बाई फोर इंटू टू एक्स इज एक्स स्क्वायर बाय टू एंड एक्स बाई फोर इंटू फाइव तो एक्स बाय फोर इंटू फाइव तो क्या हो जाएगा फाइव एक्स बाई फोर क्या हो जाएगा फाइव एक्स बाई फोर ओके सुनाओ ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा ये कैंसिल सो अभी क्या आएगा थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स बाय फोर सो इट इज़ 3x एक्स माइनस फाइव एक्स तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 12x 12x ट्वेल्व एक्स माइनस फाइव एक्स सो ये कितना आ जाएगा 7x एक्स बाय क्या आ जाएगा सॉरी ये 7x एक्स बाय हो जाएगा हाँ तो so, ये 7x एक्स बाय फोर सो सेवन 4 और ये प्लस वन आ गया ना वी वॉन्ट सेवन एक्स बाय फोर तो सेवन एक्स बाय फोर चाहिए मुझे सेवन एक्स बाय फोर मैं डिवाइड बाई टू एक्स करता हूँ टू एक्स तो अभी देखो ये क्या हो जाएगा सेवन एक्स बाय ये फोर नीचे के मल्टी तो एट एक्स हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ये फोर नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एट एक्स हो जाएगा दैन एक्स एक्स गेट कैंसिल हो जाएगा देन इट इज़ सेवन बाई एट क्या हो जाएगा सेवन बाई एट तो इसका मतलब अभी हमको किससे मल्टीप्लाई करना है प्लस सेवन बाय एट हाँ क्योंकि जब सेवन बाय एट से मल्टीप्लाई सेवन बाय एट इंटू टू एक्स तो क्या हो जाएगा टू इंटू वन और ये फोर तो सेवन एक्स बाय फोर हो सेवन एक्स बाय फोर तो सेवन बाय एट इंटू टू एक्स सेवन एक्स बाय फोर एंड सेवन इंटू एट इंटू फाइव सेवन बाई एट इंटू फाइव करेंगे तो थर्टी एट सॉरी थर्टी फाइव एट हो जाएगा देखो सेवन बाई एट इंटू फाइव सो थ्री सेवन इंटू फाइव थर्टी फाइव बाई एट सो इट विल भी थर्टी फाइव बाई एट ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा सो दिस विल गेट कैंसिल सो ना वन माइनस थर्टी फाइव बाई एट तो वन माइनस थर्टी फाइव बाई एट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो एट माइनस थर्टी फाइव बाई एट सो दैट इज माइनस ट्वेंटी सेवन बाई एट रहेगा माइनस ट्वेंटी सेवन बाई एट ओके सो होप यू अंडरस्टूड हाउ टू डू अ लॉन्ग डिविजन मैथड यहाँ पर थोड़ा सा ये हो गया है ज़्यादा स्पेस नहीं है तो एक्चुअली बोर्ड मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं जिस बुक्स में बता रहा हूँ आपको तो ये आप रफ वर्क कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दिया क्या स्टेप्स अगर आपको डायरेक्टली नहीं जम रहा है कि, कि किससे आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप रफ वर्क में ऐसा करके देख सकते हैं सो ये थोड़ा सा यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं तो होप यू हैव अंडरस्टूड अगर आपको नहीं समझा तो आप वापस ये वीडियो को रिवाइंड करके यहाँ पर ये वापस देख लीजिए कि मैंने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किया होप यू हैव अंडरस्टूड सो दिस इज़ अ लॉन्ग डिविजन मैथड नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि दैट हाउ वी कैन फाइंड आउट अभी यहाँ पर देखो रिमाइंडर क्या आया माइनस ट्वेंटी सेवन बाई एट नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थियरम तो ये पूरा लॉन्ग डिविजन मेथड आपको वहाँ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सो दिस इज़ अ लॉन्ग डिविजन मेथड इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट जो हमने examples लिया या जो भी स्टेप्स फॉलो किए उसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं तो आई ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन द सेम होप have understood. विल we'll meet इन द नेक्स्ट सेशन थैंक यू